उस पर खड़े हो। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत बधाई आपको, खासकर तीन राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, तेलंगाना में प्रदर्शन बीजेपी का सुधरा है, उत्तर भारत की अगर बात करें, तीन राज्यों की बात करें, क्या कुछ जीत के बड़े फैक्टर्स आपको नजर आते हैं? नमस्कार, पहले तो मैं आपका धन्यवाद और जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत बहुत खास है, मोदी जी पर जनता का विश्वास है और ये जनता का विश्वास दिखाता है कि देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। ये मोदी मैजिक ही था जिसके कारण ऐतिहासिक जीत हुई है और लोगों ने कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगाई है। जैसे मध्य प्रदेश में शानदार काम हुआ, उससे पहले उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हुआ, तो जनता ने माना कि बाकी राज्यों में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो केंद्र और प्रदेश मिलकर जो विकास कर सकते हैं, जो गरीबों का कल्याण कर सकते हैं, वो शायद बाकी संभव ना हो। जी सर, अब तक हम डबल इंजन की सरकार का शब्द सुनते थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, ये जो गारंटी शब्द है ये इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जोर देकर कहा गया बीजेपी से। गारंटी का मतलब क्या है बीजेपी के लिहाज से? क्या नरेंद्र मोदी का भरोसा, नरेंद्र मोदी का विश्वास? भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है और अगर आप पिछले 9 वर्षों में देखेंगे मोदी सरकार में जी, 4 करोड़ पक्के मकान, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य और अब 80 करोड़ लोगों को 5 वर्ष तक मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया। जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिखाया है। तभी तो कहते हैं कि एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। जनधन आधार मोबाइल, इससे सुनिश्चित हुआ कि फर्जी खाते बाहर निकाले और सीधा खातों में पैसा डाला। ठीक है, लेकिन सर इस तरीके की गारंटी तो अशोक गहलोत भी दे रहे थे, भूपेश बघेल भी दे रहे थे, क्या बड़ी वजह आपको नजर आती है कि उनकी गारंटी पर जनता ने यकीन नहीं किया? आपने बहुत शानदार सवाल पूछा है। ऐसा क्या फर्क है कि उन पर विश्वास नहीं किया? मैं एक उदाहरण देता हूं। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में कहा था 500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे छत्तीसगढ़ में, यानी कि 6000 रुपया साल का, नहीं दिया 5 साल में, और अब वायदा करें 15000 रुपया देंगे। जनता कैसे मानेगी? जो 6000 नहीं दे पाए वो 15000 कहां से देगा? कांग्रेस ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया, तो जनता अब कैसे विश्वास करेगी? दूसरी ओर मोदी सरकार है जिसने 2 लाख 80 हजार करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों के खाते में पैसा डाला, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई, 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। एक तरफ डिलीवरी होती दिख रही है, दूसरी ओर वायदा खिलाफी कांग्रेस की तरफ से दिख रही है। जी इस चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले भी किए गए विपक्ष की तरफ से, क्या आपको लगता है कि उसका भी काउंटर था, मतदाता को पसंद नहीं है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? मैं इतना ही कहूंगा, जितना कीचड़ कांग्रेस ने उछाला उतना ही कमल खिला है। जब जब मोदी जी के सामने अपशब्द कहे गए, मोदी जी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी, जनता ने जवाब दिया है और करारा जवाब दिया है। अनुराग जी, 2024 की अब बड़ी लड़ाई है आपके सामने भी, इस सेमीफाइनल का क्या असर आपको लोकसभा चुनाव में नजर आता है? सर हर लड़ाई को दमखम से लड़ेंगे, चुनाव हैं, अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में जाएंगे। 2014 में पूर्ण बहुमत पाया था, 2019 में नया रिकॉर्ड बनाया है, अब नया कीर्तिमान बनाएंगे, क्योंकि बढ़ते भारत के कदमों को देखकर आज दुनिया का विश्वास भारत और भारत के नेतृत्व में है। और कहीं ना कहीं हर भारतवासी को भी लगता है कि अगर मोदी ही 24 में आएंगे
तभी तो गरीबों का कल्याण करके दिखाएंगे। जैसे पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तो अगले 5 वर्षों के लिए और गरीबों की उम्मीदें बंधी है कि उनका भी कल्याण होगा। जैसे देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है जी, अब देश के व्यापारी वर्ग से लेकर युवा को लगता है कि आने वाले 5 वर्षों में और नए कीर्तिमान स्थापित होंगे, तो इसी विश्वास और आस के ऊपर जनता अगला वोट भी करेगी। इन तीनों राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, जो आंकड़े हैं वो इस वक्त पूरा देश देख रहा है, इस बात पर मोहर एक बार फिर लगती है, मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। देखिए, मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, 4 साल से लगातार दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और मैं कह सकता हूं ये उनकी अंथक मेहनत और प्रयास है, तभी तो एक अकेला मोदी सब पे भारी है जी। ये जो सफर है 14 से आज तक का, जब हम चुनाव के नतीजों पर बात कर रहे हैं, तो बीजेपी 7 राज्यों से 17 राज्यों तक का पहुंच चुकी है इन बीते 9 साल में। सफर बहुत शानदार रहा है, लेकिन आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव की चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि अब तो पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है इंडिया गठबंधन के बैनर तले। देखिए, घमंडिया गठबंधन का घमंड और अहंकार चूर चूर हुआ है। ये इंडी अलायंस जो है, इनमें ना नेता है ना नीति है, और नियत में भी खोट है। आपने पूरे चुनाव में देखा, ये ना एक साथ थे, ना सुर था ना ताल था, और इन सबका बेहाल था जी। और इसीलिए तो 2024 भी होगा, ये सब आपस में लड़ रहे होंगे जी। और हम देश की जनता के पास जाएंगे आशीर्वाद मांगने के लिए कि आए मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे और विकसित भारत बनाएंगे। लोकतंत्र अनुराग जी, सत्ता और विपक्ष दोनों के साथ चलता है। आज जब नतीजे आ चुके हैं 3 राज्यों के, एक सीनियर लीडर के तौर पर विपक्ष को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं कोई सलाह नहीं विपक्ष को देना चाहता, बहुत समझदार लोग हैं विपक्ष के, जनता स्वयं समझाने का काम करती है और समझा दिया है जी। कि जाति के नाम पे बांटने जाओगे, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो देश बटेगा नहीं, देश सुशासन और विकास का रास्ता चुनेगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर आपको, ढेर सारी बधाई। जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी